हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम यार मोटो व्लॉग तो नहीं करने वाले। हाँ, मुझे पता है मेरा चैनल मोटो व्लॉग के ऊपर है, बट यार मैं सिटी में अपनी बाइक लेके जाना नहीं चाहता यार, क्योंकि ये बहुत ही हीट होती है। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था। फिर चलते हैं मेट्रो से, दिखाता हूँ आपको अपना बैंगलोर। लेट्स गो। यार काफ़ी लोगों को ना लगता है कि ये बैंगलोर है ही नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि भाई तू बैंगलोर में, लगता ही नहीं कि तू बैंगलोर में। बट मैं आपको बता दूं कि यार हम बैंगलोर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो कि सिटी से एकदम आउटर ही है, वरना सिटी का ट्रैफिक बैंगलोर यार आपको तो पता ही है। सो यहाँ काफ़ी अच्छा है यार। बैंगलोर मेट्रो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड एकदम वेल मेंटेन्ड है। बहुत ही अच्छा, मतलब स्टेशन वगैरह सब कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, और ट्रेन्स भी बहुत ही क्लीन है। और जब भी मेट्रो से ट्रैवल करो इसको मत भूलो यार, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपका मतलब कहीं छूट गया ना तो वापस मतलब पैसे लगने, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बट संभाल के रखा करो। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ। चलो अपनी ट्रेन आ गई, चलते हैं। तो ये है पूरी बैंगलोर मेट्रो का मैप। हम अभी यहाँ पे है, जो कि केंगेरी नाम का स्टेशन है, और यहाँ ये मेजेस्टिक। यहाँ ना काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी एक दो बार कंफ्यूज होकर उल्टी तरफ ही चला गया था। मुझे आना तो इस तरफ था, बट मैं चला यहाँ पे गया था वाइट फील्ड के पास। तो यहाँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। आप कभी भी आओ तो ये चीज़ याद रखो, रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन, सॉरी ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन। ये रेड लाइन वाली मेट्रो है जो कि लास्ट केंगेरी तक आती है, और यहाँ आगे वंडरला है, और ये लास्ट वाइट फील्ड है, टमकूर एंड सिल्क इंस्टीट्यूट। ये इतना सा मतलब नेटवर्क है बैंगलोर मेट्रो का, बाकी मेट्रो है। और यहाँ का व्यू, वैसे यार यहाँ भी बाइक पार्किंग है, मैं छोड़ सकता था, बट यहाँ नीचे सिक्योरिटी नहीं है। अपने ओन रिस्क पे छोड़ सकते, तो यार मैं अपने ओन रिस्क पे नहीं छोड़ सकता यार। मेरी बाइक बहुत ही प्यारी है मेरे लिए, मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अपना बस ले आया और यहाँ से पकड़ी बस। आप कभी भी बैंगलोर आओ ना यार, 100% एक बार मेट्रो में ट्रैवल करो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो आप भी बिल्कुल शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वाली अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू।